वो सब देखिएगा 80+ के बाद तो कोई कोई बोल भी नहीं पाते हैं, जो कि मेरा मम्मी पापा आप लोग देख रहे हैं मस्त एकदम बोलते हैं। और अपना अभी मम्मी जितना भी खाना खाएं सबको अपने से बनाती है, बस थोड़ा थोड़ा हम लोग थोड़ा सा हेल्प करते हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरा मम्मी पापा के साथ में हम है, और यहाँ पर आप लोग मिलिए, ये मेरे पापा जी, पापा मिलिए। दोस्तों नमस्कार। मेरा बेटा दिलीप कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, और इधर मेरा मम्मी भी है। हाँ तो उन्नति के रास्ता पर ले आइए, रास्ता हाँ पर आप रुके ताकि अब मेरा बेटा इस जी चैनल को लाइक शेयर करिए और कुछ मदद करिए, हम लोग को बढ़िया से पाले पोसे और देखभाल कर सके। और इधर मेरा मम्मी से मिलिए। दोस्तों मेरा आप लोग को मेरा प्रणाम, मेरा बेटा को लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो अभी आप लोग तो समझ रहे हैं कि थोड़ा सा मेरा मम्मी और पापा का एज ज्यादा हो चुका है, तो कम सुनते भी हैं और कम बोलते भी हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि बुढ़ा होने के बाद में ना सब थोड़ा सा घबराहट आता है। तो को भी मतलब कोई भी बुढ़ा या बुढ़ी हो या मम्मी या पापा जो भी है, जैसे नाम से जानते हैं आप लोग, वो सब देखिएगा 80+ के बाद तो कोई कोई बोल भी नहीं पाते हैं, जो कि मेरा मम्मी पापा आप लोग देख रहे हैं मस्त एकदम बोलते हैं। और अपना अभी मम्मी जितना भी खाना खाएं सबको अपने से बनाती है, बस थोड़ा थोड़ा हम लोग थोड़ा सा हेल्प करते हैं, चाहे दीदी करती है, बाकी टोटल खाना को मम्मी और पापा बनाते हैं। हम लोग मना इसलिए नहीं करते हैं कि अगर इसे बैठ जाएंगे ना कि कुछ नहीं करना है तो मम्मी को तबीयत खराब हो जाएगा, तो इसलिए कुछ काम तो है नहीं यहाँ, सिर्फ एक ही चीज करना है, कौन सा सब्जी बनाना है, कौन चावल बनाना है, रोटी बनाना है, तो वो सब करती है अभी ना माँ। कोई दिक्कत तो नहीं होता है आपको दिक्कत नहीं करने होता है? अगर बैठ जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, इसलिए हम अपना काम करते जाते हैं। अब पिताजी आटा सब गूंद देते हैं कि नहीं? हाँ गूंद देते हैं देखिए अब हम सारा चीज बना लेते हैं, इतना तक कि हम झाड़ू कर सकते हैं, बर्तन धो देते हैं, रोटी सब कपड़ा भी धोते हैं। हाँ कपड़ा लता सब धो देते हैं। मतलब ना अभी भी आप लोग को विश्वास नहीं होगा, तो अगर हम नेक्स्ट बार आएंगे ना तो आपको डेली रूटीन जो होता है मम्मी का वो आपको दिखाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक जो करती है, आप लोग कोई लड़की भी इनसे नहीं सकेंगे, इतना काम करती है। अब मना करते हैं लेकिन बोलती है कि अगर बैठे रहेंगे ना बेटा तो मेरा हाथ पैर फिर से काम नहीं करने लगेगा, तो फिर हमको कौन देखेगा। तो वैसे दीदी रहती है, दीदी अभी मेरा दीदी अभी मेरे पास है और भांजा है, भांजी है, सबको यहाँ है, लेकिन अपने मन से करती है। अब पानी के लिए प्रॉब्लम हो रहा था आप लोग तो देखे, अभी नया मोटर लगा दिए, नया इन्वर्टर बैटरा ले आए, और आपका स्टेबलाइजर वोल्टेज कम था तो उसके लिए ले आए। तो हम लोग अजय भैया के साथ, मेरे बड़े भाई से तो आप तो मिले ही होंगे, और नहीं मिले हैं तो देखिए अभी भी कुछ काम कर रहे हैं, उधर झाल मुढ़ी बना रहे हैं, देखिए झाल मुढ़ी बना रहे हैं, जाकर दिखा दो, झाल मुढ़ी बना रहे हैं और मस्त बनाते हैं झाल मुढ़ी। तो दोस्तों भैया जो है झाल मुढ़ी एकदम मस्त बनाते हैं, और वो भी आप लोग तो पता ही होगा, अजय मतलब दोनों भाई हम लोग साथ में हैं, तो हम लोग लगभग रांची में साथ में रहते हैं, तो कहीं भी जाना होता है तो साथ में जाते हैं, कोई शादी चाहे घर आते हैं चाहे कुछ भी, तो हम लोग साथ में ही करते हैं और हम लोग बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं। आप लोग तो मेरा पूरा फैमिली से आप लोग मिले होंगे, मेरा दीदी से लेके भाई बहन जितना भाभी उभी सब मजाकेल है, अब पूरा मजा करते हैं हम लोग। और गाँव आते हैं तो हमको जाने मन नहीं करता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, कहे कि उधर भी दो तीन प्राणी हम लोग का है, जो किशन परी और सोनी, अभी वो सबको छोड़ के आए हैं और अभी हम गांव में दो तीन दिन रह गए हैं। तो आप लोग को तो पता ही होगा, वीडियो आप देख रहे हैं कि हम डेली यहीं का बना रहे हैं, तो अभी अपना गांव में आए हैं और इधर मम्मी पापा सोच रहे हैं कि आज आप लोग को देहात में, हम लोग टाउन से नहीं है एकदम गांव से हैं, लेकिन मेरा मम्मी और पापा दोनों शिक्षित थे तो दोनों अभी रिटायर कर गए हैं, तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये सबका अपना जीने खाने भर है, आप हम लोग को जीने के लिए हम लोग थोड़ा बाहर गए हैं, और इसलिए गए हैं कि बाल बच्चा हम लोग का थोड़ा सा पढ़े लिखे, और थोड़ा सा हम लोग जो नहीं कर पाए वो चीज वो करेगा कह के हम लोग लगे हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग कितना कामयाब होते हैं, मम्मी पापा जैसा हम लोग बन पाते हैं कि नहीं, चाहे कि हम लोग तो हमेशा की तरह कोशिश करते हैं कि एक अच्छा मम्मी पापा बन पाए,
एक अच्छा मम्मी पापा बन पाए, लेकिन अब कोशिश जारी है और हम लोग का सिर्फ करने से नहीं होगा दोस्तों सब। तो दोस्तों कोई भी आप लोग को तो पता है कि कुछ भी काम करने के लिए पैसा का जरूरी पड़ता है, जो कि अभी हम लोग के पास पैसा तो है नहीं। आप लोग को पता ही होगा कि मेरा HAC में अभी 17-18 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है। अब बिना पैसा का हम लोग उतना दिन रह रहे हैं, जो कि बाल बच्चा को लेके आप लोग समझ सकते होंगे कि कष्ट हमको कितना हो रहा होगा। और वो कष्ट को पार करते हुए हम एक बच्चा को मतलब चाह रहे हैं कि कुछ आगे बढ़े, जो हम लोग हैं वो ना बने। तो आप लोग का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में दो पैसा जो भी रहता है उसका रेसिपी लंद फंदे बना के हम लोग अपना व्यू बढ़ेगा कह के हम लोग लगे हुए रहते हैं, लेकिन हम लोग को शायद आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है। तो शायद हम लोग का व्यू भी बहुत कम आ रहा है, तो उसके चलते हम लोग का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा और प्यार करेंगे तो हम लोग का व्यू आएगा, तो फिर हम लोग का दो पैसा आएगा, तो हम मम्मी पापा को भी देख पाएंगे और मेरा बाल बच्चा को भी पढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जो भैया बना रहे थे झाल मुढ़ी मस्त एकदम बनाए हैं, और टेस्ट करके देखते हैं। मस्त एकदम आम का अचार उचार लगा के बनाए हैं, मिक्सर उक्सर सब पूरा डाल के। कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आ गया। हाँ, तुमको शिवानी इधर दीदी और शिवानी भी खा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बना है, टेस्टीदार बना है, बहुत अच्छा बना है। मेरे मामा झाल मुढ़ी देखिए, मामा का बनाया हुआ है आपका, है ना शिवानी? हाँ। तो दोस्तों अभी हम लोग का जो कल वाला जो था साग, अभी फिर से मंगाए हैं। देखिए एकदम ग्रीन ग्रीन, ये रहा कोयनार साग। इधर प्याज काट के रखे हैं, टमाटर, और उसके साथ हम लोग खाएंगे छिलका रोटी। ये रहा, तो ये रहा छिलका रोटी, हम लोग गांव का एकदम सॉफ्ट रहता है। और ये चूल्हा देखिए बना रहे हैं, फर्स्ट क्लास दीदी बना रही है, तेल लगा रही है इसमें। और यहाँ वेटर है, चावल का आटा देखिए मस्त लगता है। आप लोग बनाते हैं कि नहीं जरूर कमेंट कीजिएगा। और वो भी हम लोग का देसी चूल्हा आप लोग को दिखा दें, देखिए इस टाइप से है, बना रही है। इसको 5 मिनट ढकना पड़ता है। और कुछ है सब्जी? सब्जी का भी भुंजिया बनाए हैं, और इधर आलू भुंजिया भी है, ये भी है साथ में। काहे कि बहुत देर अब हो गया, तो अभी हम सोच रहे हैं कि खा लिया जाए रोटी, दो रोटी खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देखें कि हम लोग छिलका रोटी और कोयनार साग खा के एकदम मजा ही आ गया। काहे कि हम लोग पूरा फैमिली के साथ खाना खाएं, और खाने के बाद में अभी हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे। और दोस्तों अभी ही मेरा मम्मी पापा खाने टाइम में बोल रहे थे कि बाबू दोनों मेरा बेटा है कल चल जाएगा तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा बोल के, वो सब भी थोड़ा मन कान गिर गया है मम्मी पापा का। लेकिन क्या करें, रांची में भी तो मेरा दोनों बच्चा है तो वहां तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, हम इसके बाद में हमको लगता है 1-2 सप्ताह के बाद में हम आने वाले हैं, काहे कि गर्मी छुट्टी हम लोग गाँव में ही मनाएंगे और उस समय सोनी भी रहेगी, किशन परी सब कोई रहेगा, तो और मजा आएगा। हो सकता है भैया भी जाएंगे, जो भी जाएंगे हम लोग गांव में आप लोग से मिलेंगे। और देखे ही कि मेरा भाई भी मेरे ही टाइप से है मजेदार, और मेरा बड़ा भाई भी है। तो दोस्तों कल जाने का हम लोग का तैयारी हो रहा है, कुछ कुछ सामान हम लोग डाल रहे हैं, तो मम्मी को लग रहा है कि आप अकेले हम लोग हो जाएंगे, लेकिन वहां मेरा भांजी भी है, भांजा भी है, और मेरा दीदी भी है, अब बगल में मेरा भैया भाभी भी है, तो टेंशन नहीं लेना है। और हम लोग भी बहुत ज्यादा दूर में नहीं है, जब भी फोन करता है हम लोग मात्र 40 मिनट में हम लोग पहुंचते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों मेरा मम्मी पापा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उदास है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चलिए 1 सप्ताह के बाद में हम आएंगे दोस्तों। और चलिए थोड़ा आराम करते हैं, मम्मी पापा को भी थोड़ा बगान उगान घुमाते हैं, उसके बाद में हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं हम अंत करेंगे, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय 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 बाय।